माई नेम इज़ अतुल मिश्रा आई एम केस मैनेजर इन एनी वेयर जॉब्स टूडे आई विल एक्सप्लेन यू एक्सपीरियंस लेटर वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस लेटर एंड हाउ वी कैन गेट इट एंड वाई इट इज़ रिक्वायर्ड सो बेसिकली एक एक्सपीरियंस लेटर हमें नई कंपनी को ज्वाइन करने के लिए चाहिए होता है और वो हमें अपनी एग्जिटिंग कंपनी से मिलता है फॉर एग्जाम्पल अभी हम अपनी न्यू uh, कंपनी की ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो हमें अपनी पुरानी कंपनी लीव करनी पड़ेगी और वो हमें एक्सपीरियंस लेटर जनरेट करके देते हैं एक्सपीरियंस लेटर ज़रूरी क्यों है क्योंकि एक्सपीरियंस लेटर में आपका सारा लास्ट टेन ईयर का जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं उसका अचीवमेंट्स और ड्यूरेशन लिखा रहता है आपका डेजिगनेशन लिखा रहता है आप किस प्रोफाइल पे काम कर रहे थे और आपका कल्चर और बिहेवियर कैसा था ये सब उस एक्सपीरियंस लेटर पर मैंशन रहता है जो कि सामने वाला कम uh, सामने न्यू एम्प्लॉयर है वो उसको कंसिडर करते हैं हाउ एन एक्सपीरियंस लेटर लुक लाइक कैसा दिखना चाहिए तो उसमें आपका सबसे पहले तो एक पेपर के ऊपर जो कंपनी का अथॉरिटी लेटर होता है बेसिकली एक अथॉरिटी लेटर कंपनी के सबसे टॉप पे उनका नाम होना चाहिए ईमेल आईडी होना चाहिए फ़ोन नंबर होना चाहिए और कंपनी का एड्रेस होना चाहिए इन केस की न्यू एम्प्लॉयर आपको वेरीफाई करना चाहे आपके एक्सपीरियंस लेटर को तो वेरीफाई कर पाए सेकेंड जो उसमें डेट ऑफ जनरेशन होना चाहिए सपोज़ मैं आज आपका एक्सपीरियंस लेटर जनरेट कर रहा हूँ तो उस पर आज की डेट होनी चाहिए देन उस पर आपका नाम होना चाहिए कंप्लीट नेम विद आइडेंटिटी आइडेंटिटी कैसे होगी इधर वो पासपोर्ट नंबर मेंशन होगा या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस मेंशन होगा या फिर आपका आधार मेंशन होगा ये आइडेंटिटी uh, उसमें मेंशन होनी चाहिए उसके बाद उसमें आपकी डेजिगनेशन मेंशन होनी चाहिए डेजिग्नेशन फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे एक ट्रेलर ड्राइवर वर्क कर रहे थे तो ट्रेलर ड्राइवर हैवी ट्रेलर ड्राइवर वर्क कर रहे थे तो हैवी ट्रेलर ड्राइवर इंटरनेशनल ड्राइवर वर्क कर रहे थे तो इंटरनेशनल ड्राइवर देन उसके बाद उसमें आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिलीविंग भी होना चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग शुड बी इन डी डी एम एम बाई बाई फॉर्मेट कम्प्लीट डेट मैंशन होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपने ज्वाइनिंग करी थी टेंथ ऑफ जनवरी तो उसमें टेंथ ऑफ जनवरी और किस साल में वो भी फॉर एग्ज़ाम्पल टेंथ ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो कम्प्लीट मैंशन होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जनवरी मैंशन है या ट्वेंटी ट्वेंटी टू मैंशन है कम्प्लीट डेट मैंशन होनी चाहिए सेम फॉर द रिलीविंग जब आप छोड़ते हैं तभी यही ऐसे ही इसी फॉर्मेट में मेंशन होना चाहिए फॉर एग्जांपल आपने ज्वाइनिंग करा दिसंबर ट्वेंटी uh, ट्वेंटी में और 12 uh, तारीख को तो 12 दिसंबर 2022 टिल डेट अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं और अदरवाइज़ आपने फॉर एग्जांपल ट्वेंटी थ्री में छोड़ दिया है तो 23 की डेट उसमें होनी चाहिए देन उसके बाद उसमें आपके अचीवमेंट्स भी होनी चाहिए जो आपने अचीवमेंट्स विद इन योर लास्ट एक्सपीरियंस अचीव करी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा और आपको कंपनी ने कोई अवार्ड दिया है तो अवार्ड उसमें मेंशन होना चाहिए आपका कैरेक्टर मेंशन होना चाहिए ये दो तीन चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए इफ़ यू हैव इन दैट ऑर्गेनाइजेशन देन इन द लास्ट कंपनी का स्टैम्प होना चाहिए ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर होने चाहिए और कंपनी का नेम लिखा होना चाहिए ये एक एक्सपीरियंस लेटर एक गुड एक्सपीरियंस लेटर होता है इसी को ही आगे कंसिडर किया जाता है अदरवाइज़ हमारे कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें गलत होता है वो एग्ज़ाम्पल में आपको अभी दिखेगा कि ये गलत एक्सपीरियंस लेटर ऐसा दिखता है आप इसको ही कंसिडर करें यही बेस्ट एग्जाम्पल है होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल